एक चुंबक की लंबाई, देखिए सब बात तो दिया हुआ है, ये है कितना पढ़ेंगे इसको। चुंबक की प्रभावी लंबाई दिया 0.1 मीटर, चुंबक की प्रभावी लंबाई ड्रॉ करते 2L से। यानी क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2L है 0.1 मीटर और ध्रुव प्रबलता को हम लोग बोलते हैं स्मॉल m, स्मॉल m आपको दिया है 0.1 एम्पियर मीटर। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना, तो हमको कैपिटल M पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या आता है, स्मॉल m गुना 2L। स्मॉल m का वैल्यू है 0.1 और 2L मतलब चुंबक की प्रभावी लंबाई, दोनों ध्रुव के बीच की लंबाई को लोग चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं और उसका वैल्यू है 0.1। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 0.01, ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो आपको निकल गया चुंबकीय आघूर्ण। इसमें एक क्वेश्चन में ये था कहानी, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जब ध्रुव को वो जो छड़ चुंबक था उसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र इतना हम रखते हैं विथ 30 डिग्री कोण पर, तब वो कहता है उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। टॉर्क, टॉर्क मतलब है बलागुण, और उसका फॉर्मूला था टॉर्क बराबर बलागुण, या चुंबक के लिए बात हो रहा है क्या होगा, एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर एम बी, एम क्या चीज है, तो 0.01, जिसको हम 10^-2 भी लिख सकते हैं, 10^-2 गुना बी कितना है, तो 1.8 × 10^-5। साइन थीटा, साइन 30, थीटा इधर 30 लिखना है, साइन 30 होता है 1/2। 1.8 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपको 0.9 गुना 10^-5। देखिए -5 -2 हो गया -7। अगर ये दशमलव भी हटा दीजिएगा तो क्या होगा, तो बराबर 9 × 10^-8। अब ये निकला है आपको क्या, बलागुण, और बलागुण का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इसे दो क्वेश्चन था, चुंबकीय आघूर्ण निकालना और बलागुण निकालना। बलागुण का ये मान हो गया, चुंबकीय आघूर्ण का आपको ये मान हो गया। ओके, दैट्स ऑल।